नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। कैंट थाने ने पकड़ा स्थायी वारंटी। कैंट थाना प्रभारी आशीष अपरे ने बताया कि विकास पुत्र हेमराज पारदी की मुखबिर ने सूचना दी थी कि विकास चोरी की नीयत से खड़ा हुआ है, तभी पुलिस ने दबिश देकर इसे वहां से गिरफ्तार किया। इसके पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। वहीं पूछताछ के बाद तीन अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। अभी इससे और पूछताछ जारी है ताकि और भी कई मामलों का खुलासा हो सके। लोग बड़ी आसानी से टूट जाता है। लो हीरो होंडा की डिमांड रखो और खट से टूट जाता है। पार्ट की तार निकाल के चालू कर दो। पार्ट की डिमांड बहुत है इसकी। हीरो होंडा नहीं है, तुम तो वहां में झटका दे दो। ओरिजिनल और फिर नाम क्या है तुम्हारा? ओरिजिनल है। दोनों इसको आगे लाओ, इसको आगे लाओ। हां, गाड़ियों के आगे लाओ। ये विकास सनोप हेमराज पारदी है। ये कनेरा चक्कर रहने वाला, लगभग 12 साल से सिंहवादा चक्कर रह रहा है। इसके दो स्थायी वारंट भी हैं, थाना कैंट, थाना कोतवाली और थाना धन्नावदा। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ये चोरी कर रहे हैं यहाँ पर, ये पार्टी मिल करके, और इसके पास चोरी की मोटरसाइकिल है। उस पर तत्काल दबिश दी सिंहवादा चक्रे। विकास कुमार मौके से पकड़ा, भागने का काफ़ी प्रयास किया लेकिन पीछे करके उसको पकड़ लिया। इसके पास से एक मोटरसाइकिल मिली, उससे और पूछताछ में तीन अन्य मोटरसाइकिल मिली, जिसमें से एक मोटरसाइकिल होटल राजविलास के पास से चुराई थी, एक पत्रकार कॉलोनी से नाना खड़ी से, और एक ये आनंदपुर से और एक ग्वालियर से। ठीक है। कलेक्टर राजेश जैन के निर्देशानुसार अंबेडकर भवन चौराहे का उपयोग केवल यातायात के लिए ही होगा। इसी क्रम में वहां से सभी छोटी और बड़ी दुकानें हटाई गईं। अब यहां पर ऑटो स्टैंड बनेगा। वहीं नगरपालिका ने भी स्लॉटर हाउस की सफाई करवा दी है और दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि सभी दुकानें वहीं लगाई जाएं। यदि किसी दुकानदार की दुकान बाहर पाई गई तो उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि नगरपालिका के इस प्रयास से कितने लोग इनकी बात पर अमल करते हैं। गाड़ी किसकी है? ताला टूटेगा, ताला घर लेके सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए कलेक्टर साहब के निर्णय के पालन में अंबेडकर भवन चौराहे की गुमटियां हटाई गई हैं। यहां पर यातायात के लिए जगह सुनिश्चित की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए देखते हुए ऑटो के लिए जगह खाली करा दी गई है। ऑटो स्टैंड वाले अध्यक्ष जी हैं, उनके लिए ही बता दिया गया है कि आप अपने ऑटो यहाँ पर लगवाएँ। और स्लॉटर हाउस जो कर्नेलगंज मस्जिद के पीछे है, उसके लिए भी वहाँ पर शिफ्ट करा दिया रपटे से हटवा कर, और उसमें जो रिपेयरिंग का काम होना थी वो भी करा दिया गया है। दुकानदारों के लिए वहाँ पर अंदर ही बैठने की हिदायत दी गई है, उनके लिए वहाँ बिठाल कर अभी आए हम। अगर नहीं बैठते हैं तो क्या हो? नहीं बैठते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनका सामान जब्त किया जाएगा और प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा।
नेहरू युवा केंद्र ने झागर में मनाया बाल दिवस। खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले नेहरू युवा केंद्र ने झागर में बाल दिवस का आयोजन किया। इस आयोजन में बच्चों ने रंगोली बनाई, साथ ही भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसमें बढ़ चढ़कर बच्चों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य घनश्याम यादव रहे। चांचौड़ा नगर में गायत्री मंदिर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। श्रीमद् भागवत कथा का आज समापन हुआ। समापन के अवसर पर हवन हुआ। अंतिम दिवस कथावाचक श्री पुरुषोत्तम जी पारिक ने भगवान श्री कृष्ण के बचपन से लेकर युवावस्था का वर्णन किया। इसके साथ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती के बारे में भी बताया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्होंने अपने बचपन में माखन की चोरियाँ की और अब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भूखे प्यासे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मात्र भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। यही है सच्ची दोस्ती। इसके साथ और भी विस्तार से बताया। इसके साथ ही भारत देश का नाम भारत कैसे पड़ा और किस लिए पड़ा, अर्थात किस आधार पर इस देश का नाम भारत पड़ा, उन्होंने यह भी बताया। भगवान श्री भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा क्योंकि एक वो ही वीर थे जिन्होंने शेर के मुख खोलकर उनके दांत गिने थे। आज सुदामा चरित पर विस्तार पूर्वक महाराज पुरुषोत्तम जी पारिक ने कथा में आए सभी श्रद्धालु एवं भक्तजनों को बताया। उन्होंने भाईचारे के साथ रहने की भी बात कही और कथा में चांचौड़ा क्षेत्र की विधायक ममता मीणा भी उपस्थित हुईं। उन्होंने भागवत कथा की पूजा अर्चना की, महाराज जी का आशीर्वाद लिया और सभी श्रद्धालुओं के कहने पर भगवान श्री कृष्ण के नाम का भजन भी गाया। श्रद्धालुओं ने कथा के बाद भगवान श्री कृष्ण के भजन गाए एवं नृत्य भी किया। इसके बाद प्रसादी वितरण का कार्य प्रारंभ हुआ जिसमें एक साथ हजारों श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई तथा साथ में राधा कृष्ण नाम का जप भी कराया गया। मेरे बांके बिहारी ना तू इतना विश्व का गौ माता की, धरती माता की, भारत माता की, गंगा माता की। चांचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। साडा कॉलोनी और गेल के बीच बन रहे रेलवे अंडरब्रिज के घटिया निर्माण को लेकर राधोगढ़ कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने व अन्य लोगों ने रेलवे ट्रैक पर दिया धरना। रेलवे ट्रैक को किया जाम। करीब 3 घंटे तक कोटा इंदौर ट्रेन खड़ी रही, यात्री होते रहे परेशान। बताया जाता है कि रेलवे अंडरब्रिज की सड़क का निर्माण कार्य किया गया था जो जल्द ही खराब हो गई। जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और जगह जगह से तार भी निकलने लगे हैं जिससे आने जाने वाले लोगों को व स्कूली छात्र छात्राओं को समस्या आती है। इसका सही कार्य करवाने को लेकर विधायक ने धरना दिया। घंटों तक ट्रेन खड़ी रही लेकिन विधायक व अन्य लोग अपनी जिद पर अड़े रहे। कई घंटे बीत जाने के बाद जब शासन प्रशासन के अधिकारी आ गए और सड़क का काम चालू करवाने का आश्वासन दिया तब जाकर रेलवे ट्रैक से जाम हटाया गया और ट्रेन को जाने दिया गया। बाद में सड़क का काम चालू कराया गया। मौके पर पुलिस अमला व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। Yeah, yeah.
से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। इलाज कराने आई माँ और बेटी के साथ A&M ने की अभद्रता। यह वाक्या है गोकुल सिंह चक पर रहने वाली अमीना और उसकी नाबालिग बेटी का। अमीना ने बताया कि गोकुल सिंह चक पर रहने वाले दो लोग जिनका नाम जवा और इब्राहिम है, जो कि आए दिन अमीना की नाबालिग बेटी को परेशान करते रहते थे। जब अमीना ने इसका विरोध किया तो इन दोनों ने ही मिलकर अमीना और उसकी नाबालिग बेटी के साथ मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, जब ये दोनों जैसे तैसे शासकीय अस्पताल अपना इलाज कराने पहुंची तो वहां पर मौजूद A&M द्वारा इन दोनों के साथ गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया और बदसलूकी की गई। इतना ही नहीं, इन दोनों को रात भर से ना इलाज किया गया, ना ही इनको किसी प्रकार की दवाइयां मुहैया कराई गई। अब देखने वाली बात होगी कि हमारी इस खबर के बाद अस्पताल प्रबंधन व जिला प्रशासन A&M और उन दोनों युवकों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। आकाश और उसके वो अभी इंजन से लगा के चक्कर आ रहे हैं, उल्टी ब्लड निकल गया, सुई लगाते समय ब्लड लग गया। मुझे भी बहुत मारा है सर। कितने मारे? गलत लड़की, अब मैं आपसे क्या बदनाम वाली बात, मेरी लड़की से गलत कहते हैं, मैंने उनके घर गई, ऐसे गलत गलत मत बोलो हमारी लड़की से, तो उन्होंने मुझे मारा के जेल जान लगा रहे। मुझे ये तो मारा है, अब जो बच्चे चेट गए होंगे मुझे मार रहे थे, मुझे कोई पटक तो बहुत मारा उन्होंने लात, और बच्ची को ही मारा। हाँ, तो एक बच्ची को लात मारा इस जहाँ बसली में लात मारी और एक पत्थर उठा के उन्होंने पटक दिया। यहाँ पे आप हॉस्पिटल आए तो तब क्या हुआ? हॉस्पिटल आए तो इसको लाए वो आई नर्स,
उन्होंने बोला वो नीली साड़ी वाली थी, उन्होंने बोला क्या करवा के ले आई, कहाँ गई थी, क्या करवा के ले आई, मैंने क्या कुछ नहीं करवा के लाई, ऐसा होता है क्या कुछ करवा के लाई, मैंने की मेरी तो लड़की ऐसे बोल नहीं रही मुँह से और आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसे मारूंगी तुझ में, मैंने की क्यों मारोगी ऐसे आप, क्या आपका अस्पताल है क्या मारो, तो फिर उसने बोतल मार कर एक लात मारूंगी ज्यादा मुझे लात के, मैंने की आप लात क्यों मारोगी हमको, ये इंजेक्शन रखा है कल पर, ये रखा है इंजेक्शन रात के ही रखा है उन्होंने, फिर चिड़ के मेरी लड़की के गलत मशीन लगाई, अभी भी दर्द कर इतना खून निकल गया उसके, इंजेक्शन क्यों नहीं लगाया आपने, बोला नहीं इंजेक्शन का, बोला था मैंने, बोला ही नहीं लगाया, बोलती नहीं थी, क्या नाम है आपका, अमीना, इनके साथ हुआ ये आई वो इनसे गलत बोली, क्यों लेके आई हो, क्या करवा के लाई, कौन थे वो गलत बोले, कोई वो नर्स, अच्छा नर्स, वो नर्स नहीं बार्बर, बार्बर, हाँ बार्बर जो भी है वो, फिर इसके बाद बोतल उठा के इनको मारने दौड़ी, लात मात भी बताई, ना एक इंजेक्शन लगाया ना कुछ किया, इंजेक्शन ही बिल्कुल भरा रहता है। डिजियाना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।